तो दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में आपको एक बेहतरीन अपडेट देने जा रहा हूं, जो अपडेट है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लेकर। दोस्तों स्वयं सहायता समूह में आई है एक नई नौकरी, जल्दी कीजिए। उस नौकरी के बारे में अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं कुछ बेहतरीन अपडेट्स भी देने वाला हूं जो स्वयं सहायता समूह से लेकर है, और उस नौकरी के बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। उससे पहले एक निवेदन है दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन जरूर दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को लेकर। आयुष्मान मित्र भर्ती 2021 के ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, ट्रेनिंग व काज करने के तरीके को लेके। दोस्तों आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री ने की थी, जिसमें गरीब परिवार को 2011 की जनगणना में अपनी जगह रखते हुए हर साल 5 लाख फ्री स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत सरकारी व प्राइवेट अस्पतालों में एक आयुष्मान मित्र की नियुक्ति किए जाने का निर्णय लिया गया है। एक तरफ इलाज होगा, दूसरी तरफ रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अस्पताल में 1 लाख आयुष्मान मित्र तैनात किए जाएंगे। इसमें उन्हें हर महीने 15,000 से 30,000 रुपये मिलेंगे। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर आयुष्मान मित्र भर्ती 2021, आयुष्मान मित्र भर्ती 2021 आवेदन के लिए योग्यता क्या है, तो आयुष्मान भारत योजना भर्ती 2021 आवेदन के लिए योग्यता जिस तरीके से वो मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता 12वीं पास होनी ज़रूरी है। नंबर 2, कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी पता होना चाहिए। नंबर 3, उम्मीदवार की उम्र 18 से 35 के बीच में होनी चाहिए। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को इस पद के लिए वरीयता दी गई। अगर स्वयं सहायता समूह की महिला इसमें आवेदन नहीं करती है तो किसी भी महिला को उसकी योग्यता के अनुसार रख लिया जाएगा। दोस्तों आयुष्मान मित्र योजना 2021 की ट्रेनिंग कब शुरू होगी, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों आयुष्मान मित्र भर्ती योजना के अंतर्गत भर्ती के बाद ट्रेनिंग निम्न कुछ ऐसे पहलुओं को ध्यान में रखकर शुरू की जाएगी। हर ज़िले में अगस्त महीने में, यानी अगस्त तो बीत चुका है, हर महीने में आने वाले समय में जल्द ही ट्रेनिंग शुरू कर दी जाएगी, और यह होने के बाद आयुष्मान मित्रों की ट्रेनिंग प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में होगी। दोस्तों कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के चलते आयुष्मान मित्र भर्ती की योजना थोड़ा डिले हो रही है, लेकिन आने वाले समय में लगभग अक्टूबर के महीने में ये वैकेंसी निकल के आ जाएगी और आपके अक्टूबर लास्ट में आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र में ट्रेनिंग होने के बाद मंत्रालय एक परीक्षा लेगा, जिस परीक्षा में पास होते हैं उन्हें आयुष्मान मित्र बनने का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। राज्य में जितने मित्र की जरूरत होगी उतने ही आयुष्मान मित्र की तैनाती की जाएगी। इस साल लगभग 20,000 आयुष्मान मित्र भर्ती होने हैं। हर लाभार्थी पर 50 रुपये सरकारी अस्पताल वाले आयुष्मान मित्र को इंसेंटिव्स के मिलेंगे। तो दोस्तों आयुष्मान मित्र अगर आपको बनना है तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में आपको मैं डिटेल बताऊँगा किस तरीके से आप आयुष्मान मित्र बड़े आसानी से बन सकते हैं। आयुष्मान मित्र भर्ती 2021 के अंतर्गत आपके काम क्या होंगे, आयुष्मान मित्र भर्ती योजना 2021 के अंतर्गत कुछ इस तरीके से काम होंगे, जैसे कि नंबर 1, आयुष्मान भारत पोर्टल पर सारी जानकारी लेनी होगी। नंबर 2, मरीज को लाभ देने वाले सॉफ्टवेयर पर काम करना होगा। नंबर 3, लाभार्थी के पहचान पत्र की सत्यता जांचने के लिए QR कोड का इस्तेमाल करना होगा। नंबर 4, जिस अस्पताल में मरीज का इलाज होगा वह बात उसे मरीज को बताया जाना चाहिए। नंबर 5, जब मरीज ठीक हो जाएगा तो इसकी जानकारी भी स्टेट एजेंसी को आयुष्मान मित्र के द्वारा दिया जाएगा। दोस्तों आयुष्मान मित्र भर्ती 2021 हेतु ऑनलाइन आवेदन का क्या प्रक्रिया है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों आप आवेदन अगर ऑनलाइन या ऑफलाइन करते हैं, दोनों तरीके हैं आवेदन करने की। जिस राज्य में ऑनलाइन है वहाँ ऑनलाइन आप भर सकते हैं, जहाँ ऑनलाइन नहीं है वहाँ आप ऑफलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप आवेदन पत्र भरना चाहते हैं तो इस लिंक पर आपको क्लिक करना पड़ेगा और फॉर्म का PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसको भरकर संबंधित जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास CMO को के पास ले जाके जमा करना होगा। इस फॉर्मेट को बखूबी भर के आपको ऑनलाइन अगर आप करते हैं तो ऑनलाइन आप नेशनल हेल्थ मिशन की वेबसाइट पर जाकर उसको आप बकायदे से फिल करेंगे, और फिल करने के बाद उसको वहां पर जमा कर देंगे। किसी कारणवश असुविधा आपके राज्य में उपलब्ध नहीं है तो आप जिले के चीफ मेडिकल कार्यालय में जाकर आवेदन को पूरा कर सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत योजना, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपके ग्राम पंचायत में, आपके ब्लॉक स्तर पर आयुष्मान कार्ड योजना भी बड़े धूमधाम से चलाई जा रही है। ये वही स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके तहत ज़्यादातर लोग अटल पेंशन योजना, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा योजना से जुड़े होते हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में जिनको आयुष्मान मित्र बनाया जाएगा, आने वाले भविष्य में उनको भी इन सभी पहलुओं को जानना पड़ेगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि जब भी आप वीडियो लाइक करते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए ला सकूँ। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।